हेल्दी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। आप ही सोचोगे कि मतलब ये इतना बिल्कुल पागल हो चुकी है। हाँ जी, मैं पागल हो चुकी हूँ। मुझे बीमारियों का घर नहीं बनना। जो ये दोबारा से थायराइड आ गया है ना, उसे मुझे फाइट करना है। कोई मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं लेनी, तो कुछ भी नहीं करूँगी। आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने आप को सिर्फ वॉक से, हेल्दी डाइट से, इतना बड़ा जो आ चुका है थायराइड का, इतना ज़्यादा शूट कर चुका है। डॉक्टर हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोल रहे हैं। डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा मतलब शॉक लगा है कि हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, कि 100 भी बहुत ज़्यादा होता और आपका तो मतलब 378। इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर माई हेल्थ। तभी बोलती हूँ मत टेंशन लिया कीजिए, मत अपने आप को उन चीज़ों में डाला कीजिए। चलो गलती मुझसे भी हो गई है, पर मैं इस गलती के ऊपर वर्क करूँगी। तभी जो टारगेट खुद को दिया है, सिर्फ वॉक से, सिर्फ हेल्दी डाइट से, मैं एक इतना बड़ा जो मेरा थायराइड का रैंक आया है, उसे मैं बिल्कुल कंट्रोल विद इन 1 मंथ में आप लोगों को करके दिखाऊंगी। एनीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, जुनून है, लगन है, सब कुछ करेंगे बॉस, सिर्फ करना आना चाहिए। तो मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। पतला तो मैं आपको कर ही दूंगी। ये जो डाइट फॉलो करोगे, इससे पतले भी होगे, आपके माइग्रेन, शुगर और थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अब इससे बड़ा तो मैं आप लोगों को कोई प्रूफ नहीं दे सकती, खुद के टेस्ट, खुद का सब कुछ, ठीक है। अब देखो, ट्रस्ट नहीं करने वाले नहीं करेंगे, चाहे जान निकाल के दे दो, पर मुझे तो सिर्फ खुद को फिट करना है। मुझे किसी को भी शो नहीं करना, मुझे किसी को भी कुछ प्रूफ नहीं करना। मैं पतली हो चुकी हूँ, तब फिर भी बारिश में वॉक क्यों कर रही हूँ? सिर्फ हेल्दी होने के लिए। सिर्फ पतला होना जरूरी नहीं है ज़िंदगी में, हमें हेल्दी भी होना है। स्किन आप मेरी देख सकते हो, बिना किसी मेकअप के सुबह सो के उठ के भी इतनी अच्छी हेल्दी स्किन हो सकती है। और जो लिप्स के ऊपर डार्कनेस आती है, ऑयल पुलिंग से बिल्कुल दूर हो जाती है, आप देख सकते हो। बिल्कुल आपके बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और पिंकिश टोन हो जाएंगे अगर आप रेगुलर ऑयल पुलिंग करते हैं। सुबह 7:30 के आसपास मैंने धनिए वाला पानी लिया है और एक इसके अंदर मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। बेस्ट होता है वेट लॉस में भी और थायराइड। और मॉर्निंग में 9:30 के आसपास मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, तो मैंने अपने ऐसे पोमोग्रेनेट एज ए मील लेना है। और थायराइड, शुगर वगैरह में, वेट लॉस में पोमोग्रेनेट बहुत अच्छा होता है। और हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैंने खुद को कोई मील वगैरह नहीं दिया, मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने ऐसे एप्पल, और मेरे मिक्स सीड्स खत्म हो गए थे, पर आपने सीड्स वगैरह जो आपके रीजन्स वगैरह होते हैं, इनको भिगो के ही फ्रूट्स के साथ वगैरह हो चुके हैं। और मैं लंच से पहले एक लस्सी का गिलास जरूर लेती हूँ, वो भी मसाले वाले, बिना सॉल्ट और शुगर के। इससे क्या होता है, मैं जो ओवर ईटिंग होती है लंच के टाइम में, वो नहीं हो सकती, बहुत अच्छा रिजल्ट्स होते हैं। पर इसे आपको इवनिंग में 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पीना, आफ्टर 6 इसे बिल्कुल भी आपको कंज्यूम नहीं करना। इसके बेनिफिट्स पहले होते हैं मॉर्निंग में और डे में, और इवनिंग में अगर आप पीते हो तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं होते। और फ्रेंड्स, मैंने लंच में अपना फुल प्लेट ऐसे मैंने अपने लंच लिया है और सैलेड्स लिए हैं, मुझे भूख नहीं है, तो मैं इसे ही बहुत अच्छी तरह से 30 मिनट्स तक चबा चबा के खाऊंगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा खासा फुलफिल कर देगा। तो जब अगर आपको कभी भूख नहीं होती तो ओवर ईटिंग मत किया कीजिए, सैलेड्स लिया कीजिए। और थायराइड की वजह से मेरा इतना हेयर फॉल एकदम से स्टार्ट हो गया है, उसके लिए मैंने अपने घरेलू आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर नहीं है तो मैं ये जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। बेस्ट 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 होता है रीग्रोथ के लिए भी, और हेयर लॉस जो होता है थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा, 80% फर्क पड़ जाता है। और इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत अच्छा ये होममेड ऑयल होता है। तो डेली खुद को वॉक के टारगेट,
हेल्दी डाइट के टारगेट सब दे। आज का मैं अपना डिटॉक्स वाटर जो रेडी कर रही हूँ वो लेमन ग्रास, मेरे पास फ्रेश है। आप मार्केट से इसे ड्राई भी ले सकते हो फ्रेंड्स, ज़्यादा महंगा नहीं आता, पर इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। थोड़ा सा अदरक मैं ज़्यादा ले रही हूँ, आप कम ले सकते हो। और ये मैं दोनों नहीं यूज़ करूँगी, मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ। आप इसे या तो जूस के फॉर्म में कर सकते हो, पर जूस में आपको उबालना नहीं है। जब ये डिटॉक्स वाटर रेडी हो जाता है, जब आप इसे पीने लगते हो, तो आप वो जूस डाल के पी सकते हो। अगर आप जूस नहीं ले रहे, अगर ऐसे अदरक ले रहे हो, इसे आपने साथ में थोड़ी देर के लिए बॉयल करना है। और फ्रेश तो नहीं कह सकते, मैंने पुदीने की पत्तियां ली है और तुलसी। अगर फ्रेंड्स आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो पैनिक मत हुआ कीजिए। आपके साथ मैंने इतनी सारी ड्रिंक्स शेयर कर दी हैं, इतने सारे मैंने डिटॉक्स वाटर शेयर किए हैं, तो डेली चेंज करके ही लिया कीजिए। तो आपने डेली सेम नहीं करना। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। आप वीडियो स्किप करके देखते हो, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछते हो ये कब करना है, ये कैसे लेना है, क्योंकि मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है सारी वीडियो में डालती हूँ, तभी थोड़ी वीडियो लंबी होती है। आप अपनी हेल्थ पे कुछ टाइम तो निकाल सकते ही हो। और फ्रेंड्स मेरी इवनिंग टी सिर्फ दालचीनी और मैं आप देख सकते हो एक इलायची, बस इसी के लूँगी। और फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत मुश्किल है आप लोगों के साथ डेली सब कुछ शेयर करना, पर मैं करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस कीजिए, ताकि मुझे और पॉजिटिविटी अंदर से आए और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और जल्दी से आप लोगों के साथ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे दिल के बहुत करीब हूं। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूं, मुझे पता है आप लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हो। इवनिंग में ऐसे टी अगर आप पीना स्टार्ट कर दोगे ना, जिंदगी सफल है आपकी। तो आपने अगर आप कोशिश करो, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आप हनी वगैरह भी डाल सकते हो। मैं नहीं डालती, आपने डालना है आप डाल सकते हो, क्योंकि हनी में भी आधे से ज़्यादा तो शुगर ही ऐड होती है। क्योंकि अगर आपको कहीं से ओरिजिनल मिलता है तो आप उसे ले सकते हो। और फ्रेंड्स सच बताऊँ, अगर हम सोचते ना हम बीमार हैं तो हम और बीमार हो जाते हैं। अगर हम अंदर से हिम्मत लेके आते हैं और अपने आप को खुश रखते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, तो हमारे अंदर से हिम्मत आ जाती है। शाम के 6 बजे तो मुझे भी बिग बॉस वाली आदत हो गई है। और मैंने ऐसे अपनी सब्जी पूरी फैमिली के बनाई थी, उसमें सॉल्ट मैंने नहीं डाला अभी तक। मैं अपनी सब्जी अलग से निकाल लेती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं डिनर जो है अपना सॉल्ट फ्री ही करूँ। तो थायराइड जिनको होता है उनको मैं बोलूँगी कैबेज हो गया आपका, कॉलीफ्लावर वगैरह मत खाया कीजिए। आज मैं लास्ट टाइम खा रही हूँ, उसके बाद जब तक मेरा थायराइड ठीक नहीं होता तब तक मैं नहीं खाऊंगी। तो आज मेरा थोड़ा दिल कर रहा था तो मैंने थोड़ी सी कॉलीफ्लावर डाल दी है, पर खुद से प्रॉमिस किया है कि इसके बाद कॉलीफ्लावर नहीं खानी। तो आप लोगों को भी कहूंगी कि सॉल्ट फ्री डिनर लिया कीजिए और इसे भी आप अच्छी तरह से चबा चबा के खाइए, जल्दबाजी नहीं करनी। और हेल्दी भी होइए, फिट भी होइए। ये डाइट आपकी फिट भी करेगी, आपको हेल्दी भी करेगी, और इंचेस तो बहुत अच्छे खासे कम होंगे। और जिनका थायराइड अगर है, शुगर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की है ना, सिर्फ सोच ही रहे हैं 1 तारीख से 15 तारीख से अभी मैं बीमार हूं, अभी मुझे घबराहट हो रही है, अभी मुझे बहाने छोड़ दीजिए, मैं भी बीमार हूं। मैं नहीं बोलती मैं बीमार हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खुद को दोबारा से फिट कर लूंगी। मैं शिद्दत से मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी अपने ऊपर शिद्दत दिखाइए। इस रब की दी हुई बॉडी का ध्यान रखिए। घर की सफाई करते हो ऐसे ही अपनी बॉडी की भी सफाई कीजिए, उसका भी ध्यान आपका हक है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये हेल्दी टिप्स आपके साथ जो मैं शेयर करती हूँ अच्छी लगती है, और मैंने जो 1 मंथ आपके साथ जर्नी स्टार्ट की है वो आपको हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे, और प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखा कीजिए। ये मत सोचना कि बहुत सिंपल सा है, ये सिंपल चीज़ें भी हमें बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स दे देती हैं। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे छोटे छोटे टिप्स की जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ वो आपको मिलती रहे। Have a nice day.
जो ये सोचते हैं ना कि हम घर का खाना खा के बिना जिम एक्सरसाइज के पतले नहीं हो सकते, प्लीज मेरी वीडियोस जाके जरूर देखा कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखा फ्रेंड्स आपने, एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये सब कुछ मैंने घर का खाना खा के होममेड टी से, बहुत अच्छी खासी मैंने वॉक की है, कोई जिम एक्सरसाइज, कोई ग्रीन टी वगैरह कुछ भी मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं यूज किया, कुछ भी नहीं किया। तो जो ये सोचते हैं कि हम घर का खाना खा के बिना जिम के पतले नहीं हो सकते, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, प्लीज आप उनको चेक कीजिए, सब कुछ मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। और हेल्दी हो जाइए और खुश हो जाइए, छोटी सी जिंदगी है, इस छोटी सी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जिए, मोटापे के पीछे मत बैठिए, फिट फिट होके अपने आप को अच्छी अच्छी ड्रेसेस डाला कीजिए। ऑल द वेस्ट।